नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हुए एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी इमैनुअल के साथ। दिल्ली नगर निगम का सिविक मुख्यालय में आजकल वो हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक तौर पर अनप्रेसिडेंटेड घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहली घटना तो ये हुई कि दिल्ली की मेयर ने एक चिट्ठी लिख दी नगर निगम कमिश्नर को और ये कहा कि आप फंड रिलीज करो और कूड़े इसलिए जो है लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि जो है कुछ खास हो नहीं पा रहा है। और दूसरी वजह जो हुआ वो ये हुआ कि निगम जैसे ही आहूत हुआ बैठा, उसके बाद से लगातार बीजेपी के पार्षद हंगामा करने लगे। उनकी मांग ये थी कि जो दलित मेयर है, महापौर है, वो बनाओ। शैली ओबेरॉय के लिए फर्जी मेयर शब्द का इस्तेमाल भी वो लगातार कर रहे थे। और इन सब के बीच कांग्रेस के पार्षदों की स्थिति भी देखने लायक थी। उन्होंने एक पोस्टर ले रखा था जिसमें लिखा था सही मेयर, गलत मेयर, और उस पर टिक लिखा हुआ था, टिक का निशान लगा था और गलत का निशान लगा था, यानी वो भी बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो साफ तौर पर ये जो हंगामे की भेंट चढ़ गया निगम और जो प्रस्ताव थे उसमें से कुछ प्रस्ताव जो है पास किए गए हैं। और सबसे खास बात यही है कि 1.25 साल से यह जो है नगर निगम की बैठक लगातार हर महीने चल रही है, लेकिन इस बार जो है फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीन पार्षदों पंकज लूथरा और अमित नागपाल और गजेंद्र दराल, बीजेपी के तीन पार्षदों को निगम की मेयर ने अगले 3 सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने हवाला दिया कि निगम का एक्ट ये कहता है कि जब निगम में सस्पेंड किया जाता है उससे लेकर 15 दिन तक ही ये सस्पेंशन रहता है, उसके बाद ही अपने आप खत्म हो जाता है। बहरहाल इस तकनीकी पेच में मैं नहीं उलझूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार बैठके दर बैठके निगम की बैठकें में कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अब जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया कि जो है निगम पार्षद एल्डरमैन जो है मनोनीत पार्षद वो एलजी ने जो नियुक्त किए हैं वो ठीक हैं। अब 12 जोनों में जो है जोन कमेटियों की और जोनल कमेटियों की और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो सकता है। लेकिन ये सियासतदान इससे पहले कि चर्चा ही करते, बैठक ही में चर्चा ही नहीं हो पा रही तो स्टैंडिंग कमेटी कहाँ से बन पाएगी। तो साफ दिखाता है कि लाखों रुपए जो स्टैंडिंग कमेटी में माफ कीजिएगा जो बैठक में खर्च होते हैं वो कहाँ से आएंगे। वो जनता का पैसा है, दिल्ली का पैसा है। और यही वजह है कि लगातार इन चीज़ों की वजह से जो स्थिति है वह पता नहीं किस ट्रैक पे जा रही है। किसी पार्षद से आप पूछेंगे कि आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते तो वो कहेंगे अधिकारी खुद नहीं चाहते, अधिकारी मस्त हैं, उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई लगाम ही नहीं है और वो अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप किसी जो है दूसरे शख्स से बात करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह की दलीलें देगा, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो शून्य होगा। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी नीतिगत बातें इस सदन की बैठक में नहीं हुई। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।